यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली तमाम प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से TRE 3 की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस वक्त पटना के मिलर हाई स्कूल में जो सेंटर पड़ा है, यहाँ से आप देख सकते हैं परीक्षार्थी जो है परीक्षा दे करके बाहर निकल रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है और आयोग को लेकर के क्या कुछ इनका कहना है। व्यवस्था कैसी थी? सही था, व्यवस्था सही था। अभी तो कुछ नहीं बता सकते, अभी तो एग्जाम दे के निकले हैं, पता नहीं अब शाम तक तो कुछ और आ सकता है। जैसा न्यूज में देखने के लिए मिल रहा है कि एग्जाम के बाद बहुत मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं, तो इसमें भी पकड़े जाएंगे। अब शाम तक कुछ भी हो सकता है, अभी तो नहीं बता सकते हैं। कुछ लगातार जो सवाल उठ रहे हैं इस बार भी उठेंगे, कुछ बात है तभी तो सवाल उठ रहा है। ऐसे छात्रों का भविष्य कितना ये होता है, हम लोग के ऊपर कितना प्रेशर हो हम ही लोग बता सकते हैं, और कोई उसका मतलब अंदाजा नहीं लगा सकता है कितना प्रेशर है हम लोग के ऊपर। बीपीएससी को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? अब सरकार जो भी कानून नया लाए, कड़ा कानून ले आया, जो पकड़ा जा रहा है उसको पता है, इधर तो पता चल रहा है कि जो पकड़ा गया तो सब एग्जाम दे रहा है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। एग्जाम लोग दे रहा है, पिछले बार पिछले बार से ठीक था, लेकिन हार्ड मॉडरेट था, इजी मॉडरेट दोनों बता सकते हैं। हाँ, अंदर का माहौल बिल्कुल भी सही से एग्जाम हो रहा है, और जहाँ तक पेपर की बात है पेपर काफ़ी मॉडरेट था। सो सब्जेक्ट जो पेपर जो था, सब्जेक्ट पेपर बिल्कुल NCERT बेस्ड था और बहुत ही कम लेवल का पेपर था, कोई भी स्टूडेंट आसानी से उसको क्लियर कर सकता है। तो मेरा BPSC से बस यही कहना होगा कि पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ाया जाए जिससे अच्छे स्टूडेंट शिक्षक बन सके, क्योंकि जो लेवल इतना कम पेपर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल इतना कम है कि मतलब कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, धांधली का आरोप भी लगता है, प्रश्न पत्र आप बोलते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि लेवल को और थोड़ा बढ़ाना चाहिए। क्या लग रहा है कि इस बार परीक्षा अच्छा से हुई है और अच्छी तरह हो जाएगी? हाँ जी, परीक्षा काफ़ी अच्छे से हुई है, बट मेरा ये भी मानना है कि जो परीक्षा जो ऑफलाइन मोड में हो रहा है, जो पेन पेपर बेस्ड पेपर हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए। बिकॉज कंप्यूटर बेस्ड अगर पेपर होता है तो लीक की कोई संभावना नहीं होती है, और पेन पेपर में क्या होता है कि कोई भी लीक होने की ज़्यादा संभावना होती है और धांधली की ज़्यादा गुंजाइश होती है। क्या लगता है कि इस बार आयोग से कोई दाग नहीं लगेगी? अगर आयोग हाँ, अब मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि अंदर की बातें क्या है वो तो समय बताएगा, देखते हैं अपन क्या हो सकता है। BPSC परीक्षा आयोजित हो रही है, लगातार इनके सवाल खड़े होते हैं कि परीक्षा सही से आयोजित नहीं की जाती है, प्रश्न पत्र आउट होते हैं, आयोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। नहीं, आयोजन तो बढ़िया ही किया गया, ऐसा कोई सामने ही सब कुछ जो है ओपन हुआ आपके, और बॉक्स वगैरह भी सामने ही सील खोला गया, तो ठीक है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की जो है आप क्या कहते हैं उसको, क्या कह रहे थे आप, प्रश्न पत्र आउट होते हैं? हाँ, कोई प्रश्न पत्र वैसा तो नहीं लग रहा कि आउट होने वाला। TRE 2 में तो नहीं आई थी, उसकी जानकारी नहीं, हम 2 से अपीयर हो रहे हैं। हाँ, व्यवस्था ठीक है, थोड़ा सीटिंग का अरेंजमेंट सही नहीं है, एक ही जगह पूरा ठूस दिया इन लोगों ने, मतलब बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। समझे, किसी एडमिट कार्ड, ID कार्ड और पेन जी। तुम्हें सारा चोरी हो गया इस सेंटर पर, अंदर में जो है सो बैग रखने की कोई व्यवस्था नहीं था, और बाहर हम यहाँ पर जो बैग को रख करके अंदर एग्जाम देने गए, जब तक वहाँ से आया तब तक मेरा सारा डॉक्यूमेंट पैसा और सब ATM कार्ड उसमें से सारा चीज़ मेरा चोरी हो गया, अब घर कैसे जाएं हम? आप किसी के सुपुर्द नहीं किया था सर? अंदर में बोला गया कि अंदर में बैग रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, कब जहाँ रखना है तहाँ रखिए, और दूर दूर तक कोई व्यवस्था नहीं है, हम कहाँ बैग को रखते? ऐसे में किसे दोषी मान रहा है सर? सेंटर पर अंदर में व्यवस्था होनी चाहिए था, जहाँ पर व्यवस्था कुछ नहीं है। सेंटर एग्जाम के लिए तो पहले ही से बोला गया कि सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर के दो एग्जाम हम लोग दिए हैं, जहाँ पर जो अब 50 किलोमीटर दूर से हम आए हैं, तो खैर एडमिट कार्ड लेकर के तो नहीं आ सकते हैं ना, यहाँ पर 2-3 दिन रहना पड़ा है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिया गया, मेरा सारा डॉक्यूमेंट और पैसा सब चोरी हो गया। आप सेंटर के बाहर रखे थे या अंदर? सर, यहाँ पर रखा हुआ था। तो जान रहे कि मेन रोड है सर? तो सर, हम अभ्यर्थी अपना सामान को कहाँ रख सकते थे? सेंटर के अंदर कोई व्यवस्था नहीं हो, नहीं दिया गया अलाउ कि अंदर नहीं रखना है। मैडम, एग्जाम दे के आ रही है, कैसी व्यवस्था थी, BPSC को लेकर क्या कहेंगी, किस तरह से परीक्षा आयोजित की? पेपर आसान था, GK का पेपर सही था, बट कंप्यूटर साइंस का थोड़ा सा लेंदी था, मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। लगातार प्रश्न पत्र लीकआउट होने के मामले सामने आते हैं, ऐसे में परीक्षार्थियों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। वो तो समझने लायक है कि बहुत परेशानी भी होती है,
यहाँ सेंटर पे भी वही हाल है, परीक्षार्थी बहुत दूर दूर से आए हैं, उनके लिए कोई रखने की व्यवस्था भी नहीं है। अभी हम लोग का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है तो क्वेश्चन पेपर अब कहाँ रख के जाएंगे ये कन्फ्यूजन है। तो व्यवस्था तो अभी भी कुछ नहीं है, पेपर जी हाँ पेपर अभी भी देने आए हैं पर अभी सेकेंड शिफ्ट जाएंगे अभी से कहाँ रखेंगे। फ़ोन तो पैसे चलो सब वापस कर दिए लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कहाँ रखे जाएंगे। प्रश्न पत्र लीक आउट होते हैं ये सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं है, अभी तो पूरे देश में हर जगह पेपर लीक हो रहा है। क्या करना चाहिए इसके लिए? कमेटी बैठा के बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, ये तो विभाग का काम है, इस पर देखना चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्था थी। लगातार बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा पे सवाल खड़े किए जाते हैं, प्रश्न पत्र लीक होने का डर रहता है? नहीं नहीं, इस पर कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि लीक होगा कुछ, सब चीज़ सिटिंग व्यवस्था कैसी? बहुत अच्छी व्यवस्था थी। परीक्षा लेकर के आ रहे जी जी, कैसी व्यवस्था थी बीपीएससी को लेकर के कई बार सवाल खड़े जी जी जी, व्यवस्था ठीक ठाक थी। प्रश्न पत्र को लेकर के क्या कहेंगे? नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लीक आउट किए या होते हैं? अब लीक आउट अभी हो गया होगा तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन व्यवस्था ठीक ठाक थी। अंदर सीटिंग व्यवस्था कैसी? एकदम फर्स्ट क्लास। क्या लगता है कि इस बार बैग रखने की व्यवस्था नहीं थी? इनको रखना चाहिए था, बाहर हम लोग बैग रखे हैं ठेला पे जी। सर कैसी व्यवस्था थी अंदर? व्यवस्था अच्छा था सर, बट क्या है ना हम लोगों को जो बैग लेके आते हैं तो वो अंदर रखने का व्यवस्था नहीं था, वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीपीएससी को लेकर के काफ़ी बार सवाल खड़े किए जाते हैं कि परीक्षा सही से आयोजित नहीं। नहीं जैसा देख के आज जैसा देख के लगा तो बीपीएससी का मतलब जो है हम लोगों को अंदर में बहुत अच्छा व्यवस्था था, क्वेश्चन पेपर भी ठीक थे, बाकी आगे भगवान जाने। आप देख रहे होंगे सवाल खड़े किए गए, प्रश्न पत्र लीक आउट होते हैं, ऐसे में छात्रों को कई परेशानियां होती हैं। ये सरकार का मामला है, वो सरकार जाने, हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना जो छात्र अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा दे करके परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रहे थे उनके द्वारा कहा जा रहा है कि व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और ऐसे में इस बार जो है आयोग पर किसी भी तरह के सवाल उठने की संभावना नहीं बनती है। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी हैं जिन्हें लेकर के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कुछ नसीहत दी है कि इसमें इस तरह का सुझाव और बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि दूर दराज से आने वाले जो छात्र अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इसके साथ ही प्रश्न पत्र लीक आउट होने के मामले पर कई अभ्यर्थी ने कहा है कि सरकार को एक सख्त कानून बनाना चाहिए जिसके बाद इस तरह की कोई हरकत नहीं कर पाए। दर्श न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।